हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब पाकिस्तान दोस्तों अपने ही लोगों पे क्या कर रहा है, हमला कर रहा है, अपने लोगों की मस्जिदें तोड़ रहा है और अपने ही लोगों को मारने की धमकी दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत ज्यादा न्यूज सुने होगी कि जो अहमदिया जो लोग हैं, ठीक है, रिलीजन के लोग हैं, उनके ऊपर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला हो रहा है। उनके जो मस्जिद है उनको तोड़े जा रहे हैं, उनके जो रिलीजन के मस्जिदें हैं उनको बार बार ही तोड़ी जा रही हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि इन रिलीजन के ऊपर कुछ मंथ में कई बार हमला हो चुका है, कई बार इनको इनके ऊपर ऐसा हमला हुआ है जैसे ये खुद पाकिस्तान के नहीं है। यहां तक कि जो अहमदिया पीपल है, जो रिलीजन के लोग हैं, उनका कहना है कि हम भी मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं भी मुस्लिम हूं, हम भी उन्हीं चीजों को मानते हैं जो आप मानते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, आप मुस्लिम नहीं हो, आप हमारे खिलाफ काम करते हो, हम आपको मुस्लिम नहीं मानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कई बार इनके ऊपर ये अटैक हो चुका है और कल की ही बात है कि इनके जो मस्जिदों के ऊपर चढ़ के ये जो मीनारे हैं इनको तोड़ी जा रही है, इनको तोड़ के किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप देख के बहुत ज्यादा आश्चर्य होंगे कि वहां की जो पुलिस है, वहां की जो गवर्नमेंट है, इनके सपोर्ट में है, खुलेआम सपोर्ट में है कि आप जो करना है करिए। वहां की पुलिस वहां कुछ नहीं बोली, बल्कि पुलिस इनको रोक रही थी और वहां के लोग चिल्ला रहे थे कि आई एम द मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, लेकिन फिर भी उनकी बात ये नहीं सुनी जा रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी मंथ में इनके ऊपर 3 से 4 बार से हमला कर दिया गया है। कहीं रोड पर ये जाते हैं, कहीं ये जाते हैं, इनको भगा दिया जाता है, इनको पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया गया है इन पाकिस्तान में। लेकिन जानते हैं पूरा मामला है क्या? देखिए, ये पूरा मामला हम कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझते हैं, रिलीजन के मोड पे हम समझते हैं, मतलब रिलीजन के भाव से समझते हैं कि आपको पता है कि जैसे हमारा हिंदू धर्म है वैसे मुस्लिम धर्म है। तो जो मुस्लिम धर्म का जो कोर माना जाता है वो होता है मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, जो मोहम्मद होते हैं उनको कोर मतलब भगवान वहां पे माना जाता है और उन्हीं के जो मुस्लिम होते हैं पूजा करते हैं। लेकिन वहीं पे एक और धर्म निकल के आता है जिसको अहमदिया मतलब रिलीजन कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक मोमेंट था। ये किसके द्वारा चलाया गया था? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा, ठीक है। देखिए, इनका जन्म जो हुआ था, मैं आपको बता दूं, कादियन में हुआ था 1835 में। ये किसके पास में है? अमृतसर के पास में है, ठीक है। एक तरीके से ये क्या थे, एक तरीके से ये क्या थे, गुरु थे, मतलब रिलीजन गुरु थे। तो ये खुद को क्या बोलते हैं कि मैं, अच्छा, विकिपीडिया पे आप जाएंगे तो ये इनको दिखाया जाता है कि ये इंडियन रिलीजन है, जैसे इंडियन रिलीजन लीडर दिखाया जाता है। लेकिन अब देखिए, विकिपीडिया पे ये है, लेकिन जो पाकिस्तानी रिलीजन के लोग हैं, जो ज्यादातर जो कराची में रहते हैं, उनका ये मानना है कि वो क्या है, मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग इनकी जो संख्या है 25 से 30 लाख के आसपास, 40 लाख के आसपास वहां पर रहते हैं। तो ये था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, एक मतलब एक तरीके से एक धर्म की स्थापना की। अब दिक्कत इसमें ये थी दोस्तों कि ये जो धर्म बना था ये क्या था कि जो मुस्लिम मोहम्मद को मानते हैं, जो मोहम्मद के धर्म को मानते हैं, और जो इनका धर्म था, मिर्जा गुलाम अहमद का धर्म था, जो अहमदिया का धर्म था, वो दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट कैसे है कि देखिए, जो वहां के लोग धर्म मानते हैं और इनका जो धर्म होता है, जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो एक तरीके से सेंट्रलाइज है पूरी तरह के मुस्लिम के लिए। लेकिन इनका ये कहना है कि मैं तो मुस्लिम रिलीजन हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जब पैदा हुआ था, मैं सबके लिए पैदा हुआ हूं, मैं जूस के लिए पैदा हुआ हूं, हिंदू सबके लिए मैं पैदा हुआ हूं, मैं मुस्लिम के लिए पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हूं मुस्लिम रिलीजन का ही, ये इनका कहना है। तो एक तरीके से मुस्लिम का क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। दूसरी चीज कि जो मुस्लिम रिलीजन के लोग, जो धर्म के लोग क्या करते हैं, जो अपने दिन को, दिनचर्या को फॉलो करते हैं, जो धर्म को फॉलो करते हैं, ये क्या करता है, उनका विरोध करता है, मतलब उनके धर्म के खिलाफ क्या करता है, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट मानता है। पहली बात, ये खुद को कहते हैं कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूं, धर्म से हूं, उसके बाद ये उन्हीं के धर्म का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उनके धर्म को नहीं मानते हैं, ये अपना कुछ अलग से करते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है दोस्तों, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने लगा है। अब यहाँ पे दो रिलीजन बढ़ जाते हैं, एक है जो मिर्जा गुलाम अहमद को क्या होता है, भगवान मानता है, और एक जो होता है प्रॉफिट मोहम्मद को भगवान मानता है। अब जाहिर सी बात है, ठीक है, और दोनों क्या कह रहे हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है किसमें, विचारधारा में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि वहां के लोग इनके ऊपर गुस्सा है और इसी तरीके से अटैक करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां के लोग जो होते हैं इनको मुस्लिम नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि ये मुस्लिम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1974 में क्या हुआ था कि इनको, ठीक है, कि इनको नॉन मुस्लिम करार दे दिया गया था वहां की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि 1974 में जो जुल्फिकार भुट्टो थे, उन्होंने क्या किया था, नियम लाया था और उसके तहत इनको क्या किया था, नॉन मुस्लिम घोषित कर दिया गया था। आपको जानकर हैरानी ये भी होगी
कि जो वहां पे जो वोटिंग आईडी होती है, जो वोटर आईडी होती है, जब ये लॉन्च होता है तो उसमें भी इनको नॉन मुस्लिम बोला जाता है। लेकिन ये इतना जोर क्यों देते हैं मुस्लिम होने पे? देखिए इसकी दो वजह हो सकती है। मैं पहला तो ये है कि इनका रिलीजन कहता है कि मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन विकीपीडिया पे जैसे हमने देखा कि लिखा है हिंदू रिलीजन। दूसरा, मैं विकीपीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ भी अपनी बातें नहीं कर रहा। और दूसरा ये वजह है कि ये पाकिस्तान में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पता है वहाँ पर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है। आपने एक चीज़ देखा भी होगा कि पाकिस्तान में क्या है, जो हिंदुओं की संख्या है वो क्या हो रही, साल दर साल घटती जा रही है। आपने देखा बहुत कम हिंदू वहाँ पर रह गए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कोई ये कम्युनिटी है अगर वो मुस्लिम नहीं होगी, जाहिर सी बात है इनकी भी जो क्या होगी, इनकी जनसंख्या कम होती जाएगी, सरकार की तरफ से इनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी, इनके ऊपर कोई इतना ज़्यादा मतलब कंट्रोल नहीं होगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट इनको इतना सपोर्ट नहीं करेगी, तो मे भी एक ये वजह हो सकती है। लेकिन इनके ऊपर हमला कौन कर रहा है, आइए हम ये भी समझ लेते हैं कौन कम्युनिटी है जो इनके ऊपर क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा हमला कर रही है। जो कम्युनिटी है उसका नाम क्या है, तरीके इल ए लब्बैक करके है। सारी दोस्तों थोड़ा गले में खराश है। ये कम्युनिटी क्या कर रही है, इनके ऊपर बार बार हमला कर रही है। ये कम्युनिटी है क्या, ये कम्युनिटी मैं आपको बता देता हूँ, ये कम्युनिटी एक तरीके से क्या है, मूवमेंट है एक तरीके से, ये अब तो पार्टी हो गई है। पहले शुरुआत हुई मूवमेंट से, शुरुआत हुई मूवमेंट की, शुरुआत कब हुई, 2015 से। कहानी क्या थी, कहानी यह थी दोस्तों कि वहां के जो एक वही के ठीक है जो गवर्नर थे तासीर करके, ये क्या थे कि सुबह के वक्त वहां से जा रहे थे, 2011 की बात है, ये कह रहे थे वहां से जा रहे थे। उसी दौरान क्या होता है दोस्तों, उसी दौरान मैं आपको बता दूं कि एक जो इंसान होता है वो क्या करता है, इनको जाके, हाँ यहाँ पे मतलब मुमताज कादरी करके होता है, ये क्या करता है इनको जाके गोलियों से मार देता है, 27 गोलियों पे चलाता है और इनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद क्या होता है कि इस मुमताज कादरी को क्या होता है, फांसी की सजा सुनाई जाती है। और उसी के विरोध में क्या होता है, एक मोमेंट चालू होता है जिसमें जिसके रीजन जो लीडर होते हैं, कादरी रिजवी करके होते हैं, वो लीडर होते हैं और एक मूवमेंट चलाया जाता है, विरोध किया जाता है और धीरे धीरे फिर ये क्या होती है, एक पार्टी बन जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब जब इन्होंने विरोध किया है, जब जब इन्होंने क्या किया है, अपनी मांगों पर अड़े हैं, तब तब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को झुकना पड़ा है। और यहाँ पे भी ये उसी का फायदा उठा रहे हैं, जिस वजह से क्या तहरीक इल्लाबाग जो एक तरीके जो कम्युनिटी है, या फिर हम ये कहें जो मूवमेंट है, या फिर हम ये कहें जो पार्टी है, वो क्या कर रही है, पूरी तरीके जो अहमदिया मुस्लिम है उनका विरोध कर रही है, उनकी मीनारों को तोड़ रही है। मीनारों को भी क्यों तोड़ रही है, आपको जानकर हैरानी होगी, उनका ये कहना कि जब भी मीनारें खड़ी की जाती हैं तो एक तरीके से ये एक तरीके से मस्जिद की तरह लगने लगते हैं, और जो मस्जिद है वो टोटली मुस्लिम का है या मोहम्मद का है, ठीक है, मोहम्मद की पहचान है ना कि उनकी। इसी वजह से इनका विरोध करते हैं और इसी वजह से वो इनको मुस्लिम नहीं मानते हैं, वो चाहते हैं कि उनको मुस्लिम माने, वो चाहते हैं उनको पाकिस्तानी माने, पर जो पाकिस्तानी है मुस्लिम उनको नहीं मानते हैं और उनके ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।